क्या आपका भी बजट 20 से 25,000 है और आप चाहते हो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, तो ये वीडियो अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू प्रेजोटेक यूट्यूब चैनल, और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 20 से 25,000 में बिजनेस किया जा सकता है, और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या इक्विपमेंट्स लगेगा और आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन से हो सकते हैं। और ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो आपके लिए नया मार्केट भी नहीं होगा, तो ये इजी होगा कि आप इसमें इजीली कस्टमर्स को इंगेज कर पाएं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि बिजनेस अपना कैसे सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वो बताया था मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जिसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, बट ये वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं 20 से 25,000 के बीच में ही वो बिजनेस अपना छोटा सा स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर सके, तो आप भी अपना सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लास्ट वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है, तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें, हो सकता है वो आपके काम का हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो अभी मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा था वो एक्चुअली है प्रिंटिंग बिजनेस, और आज हम लोग दिखाएंगे कि उस प्रिंटिंग बिजनेस में क्या क्या हमें नीड है जिससे हम अपना प्रिंटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं 20 से 25,000 के रेंज में। तो ये हमारे पास कुछ प्रिंटर्स हैं, जो ये बेसिक प्रिंटर है जो आपका बजट 20 से 25,000 में शुरू कर देगा। अगर आपका बजट थोड़ा सा हायर साइड है तो 50,000 के आसपास में ये आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, और उससे भी हायर साइड में है तो ये लाख के आसपास में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। तो इस प्रिंटर के साथ आपको यूज करना है ये टाफेटा जो फैब्रिक क्वालिटी का होता है, और साथ में साटिन, ये आप देख पा रहे हो ये साटिन है और ये टाफेटा है, और ये यूज होता है गारमेंट इंडस्ट्री में, जो भी अपैरल इंडस्ट्रीज है उन सबको नीड है इस टाफेटा का और इस साटिन का। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करके उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं और जो अपैरल कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और इसमें लाखों लाख का ऑर्डर्स आता है। तो इसमें आपके टारगेट मार्केट्स हो सकता है, लॉन्ड्री वाले जितने भी हैं वो यूज़ करते हैं इस टाफेटा को, साटिन को, और जो भी हमारे स्कूल्स के बच्चों के ड्रेसेस होते हैं उसमें यूज़ होता है, कोई भी टेलर है वो आपके आसपास वो यूज़ करता है इसको, और कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भी इस टाफेटा को यूज़ करता है। इसको प्रिंट करके आप उसको सप्लाई कर सकते हो, और अगर बड़े एरियाज में आप देख रहे हो तो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो भी सारे इसको यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी वाइड बिजनेस है, इसको आप स्टार्ट करें, और ऑलरेडी मल्टीपल लोग इसमें ऑलरेडी घुसे हुए हैं लेकिन अभी भी हिडन है, तो आप अपना शुरू करके एक सक्सेसफुल जर्नी शुरू कर सकते हो इस बिजनेस से। कुछ मैं सैंपल दिखाता हूँ किस तरीके से ये प्रिंट होता है, और ये जो मेरे पास सैंपल्स हैं ये प्रिंटर से प्रिंट होकर ऑटोमेटिक ऑटो कट भी हो जाता है। इसमें कटर लगा रहेगा प्रिंटर में, और जिससे ऑटो कट हो जाएगा, और इससे आप इंडिविजुअल टैग अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये आपको स्मॉल बिजनेस आइडिया कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसे और वीडियोस, स्मॉल बिजनेस आइडिया और कुछ सॉल्यूशंस के साथ हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आगे भी हम आपके लिए बारकोड और प्रिंटिंग बिजनेस आइडियाज लाते रहेंगे। छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।